हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त हरविंदर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हरविंदर गेमिंग। तो यहां पर WCC 3 गेम के अंदर एक छोटा सा अपडेट लॉन्च हो चुका है फिर से। जैसे कि मैंने कल ही वीडियो बनाकर बोला था कि इस वीक के अंदर एक बग फिक्स का अपडेट आपको देखने को मिलने वाला, वैसा ही हो चुका है यहाँ पर। कल ही मैंने वीडियो बनाया था तो आज अपडेट आ चुका है यहाँ पर WCC 3 गेम के अंदर। तो उसका फुल रिव्यू करने वाला है, क्या कुछ देखने को मिला है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो बनता है उन्हें चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। तो फाइनली कर लेते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपडेट के ऊपर लगा देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं साइज बताता हूँ कि कितने MB इसका साइज है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर 65 MB इसका साइज है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 मार्च को ये जो अपडेट देखने को मिला है। सबसे पहले नीचे चल के आपको दिखा देता हूँ, इसका वर्जन 1.4.2.1 हो चुका है एंड ये जो अपडेट है वो 2 मार्च 2022 को देखने को मिला है। एंड व्हाट्स न्यू में देखे तो यहाँ पर देखिए कोर्स का फीचर, वो ये तो पिछले अपडेट में आ चुका था, लेकिन उसके बाद नीचे में देखिए RTG स्टेडियम अनलॉक एंड प्लेयर कस्टमाइजेशन इशू एड्रेस सॉल्व, यहाँ पर इन्होंने सॉल्व वगैरह कर दिया गया। RTG में जो भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, साथ में बग फिक्स जो भी बग्स आ रहे थे गेम के अंदर, उनको यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। और साथ में यहाँ पर कस्टमाइज करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, दिक्कत वगैरह हो रहा था, तो वह सारा कुछ यहाँ पर इस अपडेट के अंदर इन्होंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। बाकी इसके अलावा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। तो छोटा सा अपडेट प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्च हो चुका है। चलिए गेम प्ले के अंदर चल के देखते हैं कि गेम प्ले में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर नहीं। और मैंने गेम को ओपन कर लिया। सबसे पहले यहाँ पर होम इंटरफेस में कोई भी चेंज वगैरह देखने को नहीं मिला। सबसे पहले क्विक मैच यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्विक मैच में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कोई भी स्टेडियम वगैरह मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर RTG में थोड़ा बहुत दिक्कत वगैरह हो रहा था यहाँ पर स्टेडियम वगैरह अनलॉक करने में, तो वो यहाँ पर इन्होंने दोबारा से यहाँ पर देखे जो RTG के स्टेडियम थे वो दोबारा से आ चुके हैं। सच से जो भी यहाँ पर RTG स्टेडियम थे वहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था, यहाँ पर कभी आ रहे थे गेम, यहाँ पर स्टेडियम सिलेक्ट हो नहीं पा रहे थे, कभी हो रहे थे। तो चलिए मैं यहाँ पर रांची का स्टेडियम ले लेता हूँ। मैंने कल आपको वीडियो बनाकर बता ही दिया था कि यहाँ पर कल ये जो अपडेट है वो यहाँ पर इसी वीक के अंदर आने वाला है, तो वैसे यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कल मैंने वीडियो बनाया और आज ये जो अपडेट है वो देखने को मिल चुका है। तो देखिए जो जिसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है वो अभी भी देखिए यहाँ से मेरे चैनल को छोड़ के जा सकते हैं। मैं यहाँ पर कभी भी यहाँ पर फेक न्यूज आपको प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ। तो यहाँ से भी कोई भी यहाँ पर मुझे नज़र वगैरह नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऑडियंस का ये एनिमेशन काफ़ी अच्छा, क्राउड का एनिमेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं गेम प्ले के अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर हुआ है वो भी देख लेते हैं एक बार फिर से। क्राउड का सीन यहाँ पे आ चुका है, इसको भी यहाँ से जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं निकाल दे। तो कोर्स का फीचर भी यहाँ पे इसको भी यहाँ पे मैं स्किप कर दे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कुछ देखने को मिला, क्या थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है या फिर नहीं। तो चलिए पहली गेंद यहाँ पे होने वाली, देखते हैं क्या होता है। तो गेम थोड़ा सा लैग हो रहा है, यहाँ से लैगिंग इशू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है इनसे। यहाँ पे देख ही सकते हैं गेम बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है यहाँ पे मेरा गेम। मेरे मोबाइल के अंदर 4GB रैम है मेरे मोबाइल का, लेकिन उसके बावजूद गेम जो है वो लैग कर रहा है। तो मतलब कि यहाँ पर लैग इशू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पर गेम प्ले के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, ना ही कोई ग्राफिक में इंप्रूव देखने को मिला। सिंपली छोटा सा अपडेट यहाँ पे इन्होंने दिया है बग फिक्स का। तो यहाँ पर जो भी गेम के अंदर बग्स आ रहे थे RTG के रिलेटेड, इन्होंने यहाँ पे अपडेट वगैरह दिया। RTG में स्टेडियम वगैरह सिलेक्ट करने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था, तो सारा इन्होंने सॉल्व कर दिया। बाकी इसके अलावा कोई भी फीचर यहाँ पर गेम प्ले के अंदर ग्राफिक के अंदर कुछ भी चेंज नहीं देखने को मिला है। साथ में इनसे लैग इशू अभी तक फिक्स नहीं हुआ, लैग अभी भी मेरे फोन में कर रहा है। क्या आपके फोन में भी ऐसा लैग कर रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो कहीं पर खत्म कर लेते हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगे डिसलाइक मार देना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए टाटा बाय बाय।